सौतेली माँ। शोभितपुर नामी एक छोटे से गांव में दो माँ बेटी प्रिया और पूजा अपने कुटिया में रहती थी। प्रिया पूजा की सौतेली बेटी थी, परंतु पूजा फिर भी उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन पूजा के स्कूल की दोस्त कामिनी उससे मिलने उनके घर आती है और उसे प्रिया से प्यार जताते देखकर कहती है, अरे पूजा, तू क्या पागल है जो अपनी सौतेली बेटी से इतना प्यार करती है। वह तुम जितना भी प्यार कर लो, रहेगी तो ये सौतेली बेटी ही ना, जो तुम्हें पता नहीं अपनी माँ समझती भी है या नहीं। पूजा कहती है, नहीं नहीं कामिनी, ऐसा कुछ नहीं। प्रिया मेरी बहुत प्यारी बेटी है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। इतना ख्याल तो शायद मेरी अपनी बेटी भी होती तो ना रख पाती। हाँ हाँ, तेरी अपनी औलाद जो नहीं है, इसीलिए तू ऐसे कह रही है। तेरी भी कोई बेटी होती तो मैं देखती तुम इससे कितना प्यार जताती। अच्छा, मैं अब जाती हूँ, मार्केट जाना है मुझे। इतना कहकर कामिनी पूजा को अशांत करके चली जाती है। प्रिया जब पूजा को निराश देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। माँ, तुम कामिनी मौसी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और कभी सौतेली माँ समझा ही नहीं, ना कभी समझूंगी। हाँ प्रिया, बस छोड़ो, कामिनी की तो आदत है ऐसे ही बोलने की। वही वो दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती है, परंतु कामिनी को घर जाकर भी चैन नहीं आता। ऐसा क्या करूं कि इन दोनों माँ बेटियों में फूट पड़ जाए। मेरी सगी बेटी है परंतु मेरा इतना ख्याल नहीं रखती जितना उसकी सौतेली बेटी उससे प्यार करती है। मैं भी ऐसा परिवार बनाना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है मेरा ये सपना सपना ही रहेगा। कामिनी खुद से बातें कर रही होती है कि उसकी बेटी कोमल वहाँ आती है। मुझे भूख लगी है और तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, जाओ जाकर तुरंत खाना बना दो मुझे प्लीज। कोमल, तुम छोटी नहीं हो, खुद खाना बनाना सीखो और मुझे भी बना कर दिया करो। वो पूजा की बेटी देखी है प्रिया, कितनी संस्कारी लड़की है, सौतेली माँ का इतना ख्याल करती है, लगता ही नहीं दोनों सौतेली माँ बेटियाँ हैं। ओ माँ प्लीज, मेरे सामने ये प्रिया नामा खोल कर ना बैठ जाना। जानती हूँ वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती है क्योंकि उसे लालच है ताकि उसकी माँ उसे घर से ना निकाल दे, परंतु मुझे ऐसा कोई डर नहीं, इसलिए मुझसे ऐसी इच्छा मत रखना। वही कोमल गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और कामिनी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। क्या करूँ इस लड़की का, मेरी किसी बात का उस पर कुछ असर नहीं होता। वही कोमल की दादी लाठी टेकती हुई आती है और कामिनी को निराश बैठा देखकर कहती है, बहू, यहाँ निराश बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम बस अपना मन साफ कर लो, कोमल भी तुमसे प्रिया जैसा प्यार करने लगेगी। क्या मतलब आपकी इस बात का, मुझ में अच्छे संस्कार नहीं पाए जाते। ये बात तो तुम अपने आप से पूछो बेटा, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी। परंतु याद रखना, कर भला सो हो भला। जो मर्जी हो जाए पर उन दोनों माँ बेटियों में तो मैं फूट डालकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वह कामनी उठकर घर से बाहर निकल जाती है और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। वहीं उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे नजर आते हैं। वो उनके पास जाकर बैठ जाती है। क्या बात है बच्चा, क्यों इधर भटक रही हो, किस चीज की तलाश है तुम्हें। साधु बाबा, मेरी एक दोस्त है, उसका शौहर मर चुका है और उसकी एक सौतेली बेटी भी है जो उससे बहुत प्यार करती है, परंतु मेरी बेटी तो मुझसे प्रिया जैसा प्यार नहीं करती और न ही बात मानती है। मैं जब पूजा और प्रिया को देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं ऐसा क्या करूँ कि उन दोनों माँ बेटी का प्यार खत्म हो जाए। साधु बाबा कहते हैं, उन दोनों माँ बेटी का प्यार खत्म करवाना है या तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी भी तुमसे प्रिया के जैसा प्यार करने लगे। वह कामनी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, मुझे उन दोनों माँ बेटी का प्यार खत्म करवाना है। कोमल मेरी सगी बेटी है, उसके दिल में कभी ना कभी तो मेरे लिए प्यार पैदा हो ही जाएगा। बस कुछ ऐसा कर दो कि ये दोनों माँ बेटियाँ एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें। तुम एक बेवकूफ लड़की हो जो दूसरों की खुशियों से जलती है। तुम्हारी बुरी सोच और नियत के कारण तुम्हें ये सजा दी जाती है कि तुम सारी जिंदगी अपनी बेटी के प्यार को तरसोगी। फिर तुम जानोगी किसी को दुख देना कितनी बुरी बात है। साधु बाबा की बात सुनकर कामिनी जोर जोर से रोने लगती है और विनती करती है,
साधु बाबा ऐसा अत्याचार मत करो, मैं क्षमा चाहती हूँ और वचन देती हूँ कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगी। परंतु साधु बाबा आदर्श हो गए थे और कामिनी वहीं बैठी रोने लगी। वहीं पूजा आती है। कामिनी कामिनी, क्या बात है, क्यों रो रही हो और इस घने जंगल में कैसे पहुँची? पूजा मुझे क्षमा कर दो, मेरी दोस्त, मुझसे बहुत बड़ा पाप होने लगा था। कौन सा पाप कामिनी, और कैसी बातें कर रही हो? छोड़ो ये सब और घर चलो, कोमल को चोट लगी है, वो तुम्हें घर में ना पाकर निराश हो गई थी। वो ढूंढने निकली थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया, पर ऊपर वाले की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है, बस जरा सी चोट लगी है जो पत्ते तोड़कर बांधने से ठीक हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, तुमने मेरी आँखें खोल दी। मुझे समझ आ गया है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। मैं वचन देती हूँ कभी किसी को दुख नहीं दूंगी। और फिर वे दोनों घर की ओर चल देती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।